आज श्री बालाजी सेवाधाम श्री बालाजी नागौर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव सप्त दिवसीय भागवत सत्संग एवं संतों के प्रवचन के साथ आचार्य महामंडलेश्वर श्री बजरंग दास जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है। इस पावन पवित्र सत्संग में राजस्थान के सभी जिलों सहित हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक से हजारों श्रद्धालुओं के पधारने की संभावना है। इस सप्त दिवसीय कार्यक्रम की भव्य और दिव्य तैयारियां चल रही है। आश्रम के सेवादार श्री किशनलाल ने बताया कि कथा से पहले 11 बजे कलश यात्रा रहेगी। कथा का समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इस दौरान आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बसों की सुव्यवस्थाएं रहेंगी तथा दूर दराज से पधारने वाले श्रद्धालुओं के लिए आश्रम में भोजन एवं आवास की व्यवस्था रहेगी। कार्यक्रम का पूर्ण निरीक्षण विकास अधिकारी रामदेव जांगिड़, श्री बालाजी थाना प्रभारी SHO स्वागत पांड्या, नायब तहसीलदार दिनेश बिश्नोई द्वारा किया गया। श्री बालाजी में कल से भागवत शुरू हो रही है, इसके बारे में क्या क्या तैयारियां कर लिया आपने? हमारे महामंडलेश्वर श्री बजरंग दास जी महाराज के सानिध्य में हर साल ये भागवत सत्संग का आयोजन होता है हमारे यहाँ पे, और इसमें देश विदेश से कई श्रद्धालु आते हैं। अच्छी तैयारियां चल रही है और बढ़िया इसमें प्रोग्राम रहेगा। कथा का आयोजन जैसे 12 बजे से 4 बजे तक, उस दौरान कलश यात्रा भी रहेगी और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता भी यहाँ आएंगे। अच्छी तैयारियाँ उनके लिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।